मुंबई के गोरेगांव स्थित वासरी हिल संत निरंकारी भवन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन संत निरंकारी मंडल की तरफ से हर वर्ष किया जाता है। हर वर्ष की भांति इस बार भी निरंकारी भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तकरीबन 500 से 600 भक्त ने रक्तदान किया। रक्तदान करने आए इन भक्तों का यह मानना है कि इनके सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का संदेश है कि रक्त नाड़ियों में बहना चाहिए, ना कि नालियों में। बस इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह भक्त सैकड़ों की संख्या में आए हैं। आपको बता दें कि निरंकारी मिशन अपने सामाजिक कार्यों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस कार्यक्रम में सांसद गजानन कीर्तिकर, नगर सेवक विनोद शेलार, भाजपा युवा नेता दीपक ठाकुर, भाजपा महिला मोर्चा सचिव श्रीकरा पिल्लई के साथ साथ निरंकारी मंडल के संयोजक शंभुनाथ तिवारी, डॉक्टर हंसराज वधवा, मुखी ओम प्रकाश विश्वकर्मा, अधिवक्ता टीएस विश्वकर्मा सहित सैकड़ों भक्त मौजूद थे। समय नेशनल की खास रिपोर्ट। संत निरंकारी मंडल, जी हाँ, यह नाम ही काफ़ी है समाज सेवा में जुड़े हुए उन बड़े नामों में जो अक्सर हम समाज में सुना करते हैं। आज इतनी कड़ी बारिश, या तो कहें लोगों ने घर से निकलना अपने आप को मुनासिब नहीं समझा, लेकिन आज जो एक रक्तदान शिविर का कार्यक्रम यहाँ आयोजन किया गया, यहाँ पे सैकड़ों लोगों की संख्या मौजूद है। ये रक्तदान शिविर जो है किसी संस्था का, ये तो समाज के हित के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और निरंकारी अगर बोले तो उनका अध्यात्म के केंद्र के द्वारा समाज का बहुत अच्छा ऊपर लाने का काम तो करते ही है, लेकिन साथ साथ ये जो जिम्मेदारी है, आज जरूरी बात है। 1.5 करोड़ की आबादी है मुंबई शहर में, और बहुत सारे जरूरी के लिए ब्लड की सप्लाई जरूरत रहती है। अभी बरसात में तो ऐसा ब्लड डोनेशन कैंप कोई करते नहीं है, लेकिन इन्होंने किया है। आज इतनी भारी वर्षा होने के बावजूद भी यह ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और ये मैं समाज को स्वास्थ्य देने का काम निरंकारी पंथ के द्वारा होता है, इसलिए उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। जानना चाहेंगे, आपने अभी कहा कि ये मुश्किल काम सिर्फ निरंकारी मिशन के कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े बारिश में और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का नाम कहीं ना कहीं अपने आप में काबिले तारीफ है, क्या कहना है उनकी। देखो, ये पंथ है, ये देखो कि किसी को डरते नहीं है। कहीं आपातकाल रहेगा, कुछ कहा ना पड़ेगा, लोग आगे आते। आज साथ तो क्या मामूली चीज है, लेकिन इतने लोग आए उनके एक आदेश के ऊपर और यहाँ डोनेशन करते, ये मुश्किल काम था आज ये बरसात के होते हुए, लेकिन इन लोगों ने करा के दिखा, यही कर सकते। राज्य मंत्री, उनके सुपुत्र यहाँ पे मौजूद हैं, कई निरंकारी भक्त जो हैं, निरंकारी समाज से जुड़े लोग मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल होगा बरसात को लेके। ये वो बरसात है जो घर से निकलना लोगों को दुभर कर देती है, लेकिन ऐसे बरसात में निरंकारी समाज का एक कार्यक्रम जो रक्तदान शिविर है, सैकड़ों लोग मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? भैया, ये जो हमने बाबा जी, ये बाबा जी का आशीर्वाद है। आज बाबा जी हमारे बीच में नहीं है, मगर जो उनके विचार राजमाता जी के माध्यम से आज भी सभी महात्माओं के बीच में है, और ये निरंतर चलता रहेगा। और ये जो अपना जो समाज है, ये जैसे कोई भी काम है, जो असंभव है वो संभव कर सकता है। और जो श्रम दान से, जो मेहनत, और जो इतनी बारिश जैसा आपने बताया कि घर से निकलना मुश्किल है, उसमें भी आज हजारों की संख्या में लोग महात्मा आए और ब्लड डोनेशन दे रहे हैं, बाबा जी का ही आशीर्वाद है। क्या कहना चाहेंगे मेरे साथ में और भी नारी सशक्तिकरण को लेकर, जो कहीं ना कहीं मिशन जो है वो आगे बढ़ रहा है, ऐसे में एक हमारे साथ एक और महिला सचिव है जो महाराष्ट्र बीजेपी से जुड़ी हुई है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं एक कड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बरसात के समय में आना, और ख़ास करके जो डोनेट कर रहे हैं उनके लिए इस प्रकार की सुविधाएँ करना निरंकारी मिशन कर पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैसे दीपक ने कहा, ये बाबा जी का आशीर्वाद ही है जो लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हैं। ये सेवक जो इतनी बड़ी मात्रा में है, ये कहना चाहते हैं कि हम अभी भी उतने ही सक्रिय है जैसे पहले बाबा जी के साथ थे, इसलिए यहाँ पे सब इस बड़ी मात्रा में आए हैं। क्या एक संदेश देना चाहेंगे निरंकारी जगत को या निरंकारी लोगों को, क्या बताएं? बस हम आप लोग के साथ हैं, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। हमारी मैडम भी हमेशा निरंकारी समाज के साथ रही है, आज वो थोड़ी बिजी है इसलिए आ नहीं पाई,
बट हम हमेशा साथ में रहेंगे। कहने का जिस प्रकार निरंकारी भक्तों का यहाँ पे एक हुजूम देखने मिल रहा है, वहीं जो स्थानिक प्रतिनिधि है, चाहे हम खासदार बोले या कई जो नेता है, वह यहाँ पे इनको आना जाना हुआ है। बात करें निरंकारी जो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन जिनके हाथ में है, जो पूरे तरीके से इस चीज़ को तकल्लुफ दे के वो काम कर रहे हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कुल, क्योंकि एक बरसात का मौसम है सर, आपसे जानना चाहेंगे, बरसात का मौसम है और इतने में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। जैसा कि सांसद महोदय खुद बोल के गए कि ये काम सिर्फ निरंकारी मिशन के लोग ही कर सकते, क्या कहना चाहेंगे? ये मिशन जो है आध्यात्मिक मिशन है और गुरु भक्तों का मिशन है। ये बारिश तो बारिश है, बारिश के साथ में आधी तूफान हो तो भी अगर एक बार सदगुरु का आदेश हुकुम आ जाता है तो वो सारे के सारे मर मिटने को तैयार रहते हैं। बारिश इसके सामने कोई रुकावट नहीं है और हजूर बाबा जी इस वक्त शरीर करके तो नहीं है, लेकिन सारे निरंकारियों का मानना है कि हजूर बाबा जी इस वक्त निराकार रूप में हम लोगों के साथ में है। सदगुरु आता जाता नहीं है, सदगुरु हमेशा कायम रहता है। अतः इतने लोग आकर के, इतने महात्मा आकर के साबित करते हैं कि बाबा जी आपका आदेश के हम भूखे हैं, जो आदेश आएगा हम कर गुजरेंगे। कहने का निरंकारी मिशन जो है वो आदेशों की पूरी तरीके से पालना करने वाली है। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मद्देनजर यहाँ देखा जा रहा है, चाहे महिला कहें या पुरुष वर्ग कहें, ऐसी क्या बात है निरंकारी मिशन की, ये युवा ऐसे समय में भी यहाँ मौजूद हैं? निरंकारी मिशन हर तरह से युवा शक्ति वो शक्ति है जिसको अगर सही दिशा दिया जाए तो ये संसार को ऊंचाई की तरफ ले सकता है। अगर ये दिशाहीन हो जाए तो ये नुकसान की तरफ जा रही, जो आज की युवा पीढ़ी है देख रहे हैं समाज में कि किस तरफ जा रही है ये शक्ति नुकसान की तरफ। तो निरंकारी बाबा जी के द्वारा इस युवा शक्ति को वो जागृति दिया जा रहा है, इस मानव का वास्तविक जीवन क्या है, मानव का मकसद क्या है, इसके द्वारा इनको जगाया जा रहा है। इसलिए युवा पीढ़ी जो है ऐसे स्वच्छ काम में, शुभ काम में अपने आप को कहीं पीछे नहीं रहना चाहती है, क्योंकि ये निरंकारी मिशन है, पूरे समाज को, देश को आगे ले जा रहा है, तो इसमें युवा पीढ़ी कहीं पीछे न रह जाए, इसलिए बढ़ चढ़ कर हर कोई इसमें हिस्सा लेना चाह रहा है। बात करें यहाँ पे रक्तदान करने के लिए कितने लोग आए हैं, कितने यूनिट रक्तदान किए गए हैं और कौन कौन से बैंक हैं जो सम्मिलित है इस कार्यक्रम में? यहाँ पर अभी तक करीब करीब 500 के करीब जो है यूनिट ब्लड डोनेट किया जा चुका है, जिसमें सेंट जॉर्ज है, भगवती हॉस्पिटल है, नायर हॉस्पिटल है, और जिसमें इस साल ही सदगुरु बाबा जी ने अपने स्वयं का जो है ब्लड बैंक का निर्माण किया, जो पार्ले में एयरपोर्ट के सामने है। और सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी का ये सपना था कि ये अपना खुद का निरंकारी ब्लड बैंक हो, और जिसको बाबा जी ने अपने हाथों से उद्घाटन किया, साकार किया। तो जहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल से यहाँ मौजूद हैं, वहीं पर हमारा निरंकारी मिशन चैरिटेबल फाउंडेशन के तरफ से खुद का जो ब्लड बैंक है वो भी यहाँ पर मौजूद है और ब्लड यहाँ पर एकत्रित कर रहा है। कहने कहीं जो एकत्व का नारा है निरंकारी मिशन कई वर्षों से लगातार देता आ रहा है, लेकिन बात सिर्फ दिखावे के नहीं, बात प्रैक्टिकल की है, बात वास्तविकता की है, जो निरंकारी मिशन आज तक करते आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि जो संदेश समाज को दिया जा रहा है निरंकारी मिशन के जरिए, वो और अधिक से अधिक कितने लोग इसे एक्सेप्ट कर पाते हैं या फिर उसकी आपूर्ति कर पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गजानंद दुबे के साथ अरुण गुप्ता, समय नेशनल, मुंबई।